Hi you all, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And if you are new on my channel, hi, I'm Divya. And थोड़ी सी lighting थोड़ी dull है, वो adjust कर लेना क्योंकि sunlight नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो इसलिए थोड़ी lighting थोड़ी dull सी है, तो वो आप adjust कर लेना, okay? And इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ cultural shocks. Like जब मैं India से यहाँ पे आई तो मेरे को क्या क्या चीज़ें बहुत ऐसे like शॉकिंग लगी, मेरे को एकदम अलग लगी इंडिया से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट इज लाइक जब भी तुम फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर किसी के भी साथ डिनर वगैरह या फिर बाहर जाते हो और खाने कुछ भी, तो वो बिल जो होता है वो इक्वली स्प्लिट होता है. मतलब मोस्टली इंडिया में भी फ्रेंड्स वगैरह में तो हम स्प्लिट करते ही हैं, बट यहाँ पे अगर फैमिली मेंबर्स भी है कोई भी है तो वो इक्वल बिल स्प्लिट करता है. एंड ये बहुत अच्छी बात है. जैसे कोई भी अगर पार्टी आप होस्ट कर रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है कोई अपने, तो वो सब इक्वली स्प्लिट होता है सब में. जिसने जितना खाना खाया, जिसका जितना बिल बना, वो सब अपना अपना देते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा दे रहा है. ठीक है, सेकेंड वन आई थिंक ये तो आपको पता भी होगा, लाइक मैरिज. क्योंकि हमारे यहाँ पे मैरिजेस में इतनी ज्यादा गैदरिंग होती है ना, इतने लोग बुलाते हैं, ये वो इसके चाचा मामा फूफा सब बुला, सबको बुलाया जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ ग्रूम के घर वाले, ब्राइड के घर वाले, ये बहुत मिनिमल सा होता है, कुछ ज्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं होती. हमारे यहाँ तो जैसे पूरा वेडिंग को पूरा ऐसे कोई फेस्टिवल जैसे मनाया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे बहुत मिनिमल लोग आते हैं, बहुत ऐसे बहुत शोर शराबा कुछ भी नहीं होता है. एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था, यहाँ पे अगर आप जिम जाओगे, वहां पे लाइक चेंजिंग रूम शावर एरिया वगैरह होता है, वहां पे कहीं पे गेट नहीं होता है. सब लोग ऐसे ही चेंज कर रहे होते हैं, ऐसे ही शावर ले रहे होते हैं. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लाइक कल्चरल शॉक होगा जो भी इंडिया से यहाँ पे आएगा. मतलब ऐसा है, मेल फीमेल्स का अलग बना होता है, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, डोर नहीं होता, कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला कल्चरल शॉक है. एंड नेक्स्ट है लाइक अगर जैसे आप किसी के घर पे जा रहे हो, किसी ने आपको बुलाया है लाइक कि मैंने कोई पार्टी है या कुछ भी है, ठीक है, तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाते हैं. ठीक है, और वो फिर एक साथ वहां पे, मतलब इंडिया में भी होता है बट सब जगह ऐसा नहीं होता. मतलब इंडिया में चॉइस लाइक अब होने लगा है कि सब सब अपना अपना, मतलब वो ऐसे होता है कि फन के लिए, बट यहाँ पे होता ही है कि अपने घर से कुछ कुछ बना के ले आना, दूसरा बंदा भी कुछ लेके आएगा, फिर वो सब कुछ शेयर करके खाते हैं. तो यहाँ पे ऐसा होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं वो कल्चरल शॉक तो नहीं बोलूंगी, बट मतलब यहाँ पे मोस्टली सारे शॉप्स वगैरह मतलब मोस्टली 8 बजे तक रात को बंद हो जाती हैं. एंड संडे को मोस्ट मतलब सब कुछ बंद होता है. मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं एंड छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे तुम्हें बियर सिगरेट के लिए, क्योंकि सिगरेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए उसकी शॉप तो संडे को भी खुली होती है. ठीक है, बाकी मॉल्स वगैरह कोई भी लाइक सुपर मार्केट्स वगैरह सब कुछ संडे को भी बंद होते हैं. एंड बहुत जल्दी लाइक 8 बजे तक सब कुछ वैसे भी बंद हो जाते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक अगर तुम्हारे जैसे, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हारी कुछ चीज़ें यूज में नहीं आ रही है, लाइक बहुत बड़ी से लेके छोटी कुछ भी चीज़ लाइक बेड, टीवी, फ्रिज, टेबल, कुछ भी अगर आपकी यूज में नहीं है, तो वो लोग अपने घर पर, घर के बाहर रख देते हैं. ठीक है, तो जिसको भी वहां पे मतलब जिसको भी नीड होती है तो वहां से लेके चला जाता है. ऐसे आई डोंट थिंक सो इंडिया में होता है. हमारे यहाँ पे तो जब तक चीज की बैंड नहीं बज जाती तब तक वो बाहर, वो क्यों फेंके भाई, सही बात है, जब तक वो चल रही है उसको चलाते रहेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे अगर जैसे कुछ भी चीज है, अगर उन्होंने मतलब उनका हो गया, उनको नहीं चाहिए, तो वो लोग बाहर रख देते हैं, तो जिसको भी नीड होती है तो वो लेके चला जाता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लाइक हॉर्न जो होता है लाइक गाड़ी में किसमें भी, वो यहाँ पे लाइक बहुत रेयर चांस होता है कि तुम्हें उसकी आवाज सुनने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग नहीं मतलब बजाते हैं. जैसे हमारे इंडिया में तो पै 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 होता है, बट यहाँ पे एकदम से शांति होती है, बहुत रेयर चांस है कि वो होता है. ठीक है, तो यही कुछ लाइक पॉइंट्स हैं जो मेरे को इंडिया से यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंट लगे. एंड मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस बनाती हूँ,
बट लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, ये क्या कर रहे हो भाई। मैं ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, जितना मेरे को नॉलेज होती है मैं बताती हूँ। मैं हर चीज़ में, हर वीडियो में ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने फन के लिए कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप मत देखो, वैसे भी मेरे ज़्यादा है नहीं व्यूज़, आप नहीं देखोगे तो इट्स फाइन। बट आप ये मत बोलो कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो। लेट इट बी गाइज। हाँ, तो ये थोड़ी से कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पे थोड़ा अलग होता है इंडिया से। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। एंड आप अपने कमेंट्स दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो, बट ये नहीं होता कि बहन ये क्या कर रही है, बच्चों वाली हरकतें। हाँ भाई, मैं बच्चों के लिए डाल रही हूँ वीडियो, ठीक है, बस खत्म।